आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने की। इस अवसर पर फूलन देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान हवलदार यादव ने कहा कि फूलन देवी दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित समाज के लिए जीवन भर संघर्ष करती रही और उनका जीवन संघर्ष कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने फूलन देवी के संघर्षों से प्रेरणा लेने की बात कही और उन्हें एक महिला सांसद के रूप में सदन में जनता के अधिकारों के लिए लड़ने वाला मजबूत स्तंभ भी बताया। हवलदार यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों और किसानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार चरम पर है। हवलदार यादव ने कहा कि जनता इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेगी और 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की पीडीए सरकार बनेगी, जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। स्वर्गीय फूलन देवी पूर्व सांसद जी की जयंती मनाई जा रही है। फूलन देवी एक निर्भीक, निडर महिला थी। वह अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लड़ने का उनके अंदर दम था, साहस था और उन्होंने अपने ऊपर हुए अन्याय का बदला लेने का काम किया। ऐसी बहादुर महिला का आज जन्मदिन है, हम लोग मना रहे हैं। हम अपने नेता, स्वर्गीय नेताजी धरती पुत्र राम सिंह यादव जी को धन्यवाद देंगे कि एक महिला जो शोषित थी, पीड़ित थी, अन्याय की मारी हुई थी, जिसको वर्षों वर्षों से जेल में रखा गया था, उसको निकाल करके सांसद बनाने का काम किया और पूरे देश में नहीं, दुनिया में फूलन देवी को लोग जानने लगे, फूलन देवी की बात सुनने लगे और फूलन देवी दुनिया में जा करके नेताजी के व्यक्तित्व, कृतित्व की चर्चा किया। नेताजी ही ऐसे नेता थे जो हमेशा दबे कुचले लोगों के लिए काम करते थे और उस दबे कुचले लोगों में फूलन देवी ने, फूलन देवी को जेल से निकाल करके उन्होंने सांसद बनाया। फूलन देवी हमेशा कहती थी, एक हमारे पिता जन्म देने वाले थे और दूसरे हमारे पिता हमको रास्ता दिखाने वाले या हमारे जीवन की निर्वाह करने वाले मुलायम सिंह यादव हुए और यह बात वो हमेशा कहती थी। उसकी निर्मम हत्या से पूरा समाज मरमा था, समाजवादी पार्टी मरमा थी और निश्चित तौर पर नेताजी उसको जिस तरह से पार्लियामेंट में उस घटना के बारे में उन्होंने बातें किया, आज हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।